अभी की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। दो सगे भाइयों ने की आत्महत्या, दोनों ने दिखला जहर। जानेंगे पूरी खबर, कहां से खबर निकल के आई है हिमाचल के। वहीं सिर में घुसे चाकू के साथ व्यक्ति घूमता रहा, कहां की खबर है जानेंगे ये भी। और वहीं बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब ग्रामीणों को सेना करेगी ट्रेन, हिमाचल प्रदेश में। कहां पर ये बड़ी खबर निकल के आई है। वहीं आईएएस की तैयारी कर रही युवती चिट्ठे के साथ पकड़ी गई। और हिमाचल में बड़ी खबर, 87% लोग कोरोना पॉजिटिव के जो मामले हैं वो बाहरी राज्यों के हैं। किस राज्य के हैं जानेंगे इस वीडियो में। वहीं अब हिमाचल प्रदेश में ही BBN में बन रहा है कोरोना का इलाज का इंजेक्शन। जुलाई के अंत तक उत्पादन शुरू करने की उम्मीद, इस पर पूरी नज़र डालेंगे। और वहीं हिमाचल प्रदेश में आज दो नए केस निकल के आए हैं, जानेंगे कहां पर किस ज़िले में ये केस निकल कर आए हैं। तो खबरों को जानते हैं विस्तार में। सबसे पहली खबर जो निकल के आई है वो है, दो सगे भाइयों ने जहरीला पदार्थ निकल कर कर लिया आत्महत्या, खबर निकल कर आ रही है। हिमाचल के सिरमौर जिलों में दो सगे भाइयों की जहरीले पदार्थ का सेवन करने से मौत होगी। ये सनसनीखेज घटना नाहन शहर के बाल्मीकि बस्ती में हुई है। जानकारी के अनुसार आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने जहरीला पदार्थ का सेवन किया। गंभीर हालत में दोनों को डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहाँ एक को मृत घोषित कर दिया गया जबकि दूसरे की उपचार दौरान मौत होगी। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से लाहौल किन्नौर से आ रही है, जहां पर सेना अब ग्रामीणों को ट्रेन करेगी। चीन के साथ सीमा पर विवाद के चलते हिमाचल प्रदेश में सेना ने फैसला लिया है कि लाहौल किन्नौर के ग्रामीणों को वो ट्रेन करेगी। गलवान घाटी विवाद के बीच भारतीय सैनिकों के साथ अब सीमा से सटे गाँव की निगरानी को विशेष ट्रेनिंग मिलेगी। ये विशेष ट्रेनिंग सीमा के बड़े तनाव के चलते देखते हुए नागरिकों को देने का फैसला लिया है। इसमें नागरिकों को बकायदा आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए जाएंगे। बता दें कि चीन के साथ हिमाचल के करीब 48 गांव की सीमा सटी हुई है। इसमें लाहौल स्पीति के 12, किन्नौर के 36 शामिल होंगे। और ये विशेष ट्रेनिंग सेना के कमांडो स्तर पर अधिकारियों द्वारा दी जाएगी, जिसमें लाहौल स्पीति व किन्नौर जिला के SP और उसकी टीमें भी शामिल होंगी। ये विशेष ट्रेनिंग 28 से 5 जुलाई तक चलेगी। बता दें कि 15 जून को गलवान घाटी में भारत व चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद चीन से सटी हिमाचली सीमा पर हाई अलर्ट जारी है। वहीं अगली बड़ी खबर पर डालते हैं, हिमाचल में दो नए कोरोना पॉजिटिव के मामले निकल के आए हैं। हिमाचल प्रदेश में आज कोरोना के दो मामले निकल के आए। सोलन जिले में BBN क्षेत्र में दो व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संक्रमित संत निरंकारी चौकी वाला नालागढ़ में क्वारंटाइन थे। प्रशासन इनकी ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी जुटा रहा है। इसके साथ ही राज्य में अब कोरोना के कुल आंकड़े 841 पहुँच गए हैं। 474 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। सक्रिय मामले 347। 11 राज्य के बाहर कोरोना संक्रमण से राज्य में 7 की मौत हो चुकी है। वहीं कांगड़ा जिले में शुक्रवार सुबह 6 कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए। इन्हें अस्पताल से छुट्टी देकर 7 दिन के होम क्वारंटाइन के लिए रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है हिमाचल प्रदेश के BBN से, जहां पर कोरोना के इलाज का इंजेक्शन तैयार किया जा रहा है। जुलाई के अंत तक उत्पादन उम्मीद है। दुनिया भर में फैल रही कोरोना महामारी के इलाज के लिए हिमाचल के BBN में रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार किया जा रहा है। ये इंजेक्शन पहले इबोला वायरस से पीड़ित मरीजों के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसे SARS और अन्य संक्रमण के उपचार में भी परखा गया था। COVID-19 उपचार के लिए ट्रायल में परिणाम चौंकाने वाले आए हैं। इस इंजेक्शन से 40% तक सुधार देखा गया है। हालांकि अभी ट्रायल जारी है, लेकिन इस जुलाई अंत तक इसका उत्पादन शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। अभी तक दुनिया में कोरोना की कोई दवाई नहीं बनी है, ये भी आपको बता दें। वहीं HCQ फैबिलियो द्वारा निर्माण के अग्रणी उद्योगी क्षेत्र BBN रेमडेसिविर इंजेक्शन का निर्माण करेगा। आने वाले दिनों में जो भी अपडेट होगी वो हम आपको इसके बताते रहेंगे। अगली खबर पर डालते हैं, हिमाचल में बाहरी राज्यों से जितने भी 87% कोरोना पॉजिटिव मामले हिमाचल प्रदेश में आए हैं। जितने भी टोटल केसेस हिमाचल प्रदेश में अभी तक हैं, उनमें से 87% बाहरी राज्यों के हैं। राज्य में 90% ऐसे कोरोना पॉजिटिव मामले हैं जिन्हें अस्पताल आने की भी ज़रूरत नहीं है। कोविड केयर सेंटरों में ही उनकी उपचार किया जा रहा है। अब सरकार ने केंद्र की नई गाइडलाइन के अनुसार कोरोना संक्रमित 15 लोगों को होम क्वारंटाइन किया है। इनका उपचार घर में ही चल रहा है। इनमें से 5 लोग स्वस्थ हो गए हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर उपचार कर रहे हैं। हिमाचल में बच्चे और बूढ़े लोगों की अपेक्षा ज़्यादातर युवा कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं। वहीं प्रदेश के बाहरी राज्यों से 62 परिवारों में से 169 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली से हिमाचल के ज़्यादातर लोग कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां पर हिमाचल में संक्रमितों का मामला उन्होंने बढ़ाया है।
वहीं बड़ी खबर जो निकल के आई, आईएएस की तैयारी करने वाली एक युवती चिट्टे के साथ पकड़ी गई। आईएएस की तैयारी कर रही युवती और सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके रोजगार की तलाश करने वाले दो युवकों समेत चार लोगों को नशे की खेप के साथ पुलिस ने दबोचा। पुलिस जानकारी के अनुसार लड़की काफ़ी समय से नशे की आदी है और इससे पहले भी उसके नशा मुक्ति केंद्र ले जाया जा चुका है। जानकारी के अनुसार डमटाल थाना में प्रभारी हरीश गुलेरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गश्त के दौरान भदौरिया गांव के पास एक गाड़ी को शक के आधार पर रोका और गाड़ी की तलाशी के दौरान गाड़ी में बैठे तीन लड़कों और एक लड़की से 8.38 ग्राम हीरोइन और नशीले कैप्सूल बरामद हुए। आरोपी मदेज शाहपुर परेही और चतिड़ू गांव के रहने वाले हैं। आरोपियों को गिरफ्तार करके थाना डमटाल लाया गया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। DCP डॉक्टर साहिल अरोड़ा ने मामले की पुष्टि की। नहीं, सिर में घुसे चाकू के साथ एक शख्स घूमता रहा, खबर निकल कर आ रही है। ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मंगलवार दोपहर को हेल्ड्रम शहर में एक हैरान कर देने वाली नज़ारा देखने को मिला। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल भी हुआ जहां 36 साल का एक युवक सिर में चाकू घुसा कर घूमता दिखाई दिया। खून बह रहा था और वह आराम से घूमता रहा। डेली मेल की खबर के अनुसार इसके साथ एक महिला भी थी जिसकी हमलावरों के साथ विवाद हुआ था, जिस करके हमलावरों ने उसके सर पर चाकू छोड़ दिया और वो व्यक्ति मदद के लिए घूमता रहा। वहीं आने वाली जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपको बताएंगे। लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। आने वाली हिमाचल देश और दुनिया की खबरों के लिए धन्यवाद।